Hi friends, my name is Ghanshyam Agarwal. Welcome back to my channel. If you have not seen my other video on sales strategies, where I have mentioned 5 sales strategies, so I would request you to please see that video and then you can see this video till the end. Yeah, keep watching and I hope you will learn a lot in this video as well. Thank you so much. So, चार स्ट्रेटेजीज अगर जो दैट रियली वर्क्स वेल इज द रेफरल बोनस और हाई रेफरल बोनस. ओके, तो कस्टमर जैसे कोई सामान आपसे खरीद लिया, तो जैसे वो सामान आपका खरीद लेता है तो उसको बोलिए ये अपना विजिटिंग कार्ड है और आप अगर किसी और को भी हमारा दुकान में लाओगे तो हम आपको रेफरल अर्निंग बहुत करवाएंगे, तो वो भी एक बहुत बड़ा है. तो आपका जैसे और भी पड़ोसी होगा, आस पड़ोस में जो भी पड़ोसी होगा या जो भी आपका जैसे आपको पढ़ा रहे हो तो और भी कोई स्टूडेंट होगा तो जरूर उनको लाइएगा, आपको रेफरल बोनस ऐसा देंगे जो मार्केट में कोई भी नहीं देता है. तो दिस विल रियली हेल्प यू और ये आपका वो लेगा, आपका कॉस्ट भी निकल जाएगा. तो रेफरल अर्निंग रियली वर्क्स वंडर. आई थिंक दिस इज अनदर वेरी इंपॉर्टेंट थिंग. द सेवन थिंग दैट रियली वर्क्स वेल इज दैट अगर कस्टमर कोई नया है और उसको ना अगर वो कुछ भी नहीं खरीद के जा रहा है आपका दुकान से, फॉर एग्जाम्पल होता है ना बोलर लाइक दैट कि ठीक है आपका हम देख लिए अगला बार आते हैं आपका दुकान में, दे से लाइक दिस ना कि या योर वी हैव सीन योर शॉप, योर प्रोडक्ट्स आर वेरी गुड, ओके वी विल कम बैक टू यू ऑन अ लेटर डेट, टुडे आई एम वेरी बिजी. तो मेक श्योर उसको कोई फ्री प्रोडक्ट आप दे दीजिए. दिस इज अ कोल्ड थिंग आई एम टेलिंग यू, कोई भी एक फ्री प्रोडक्ट उसको दे दीजिए. अरे ऐसे कैसे जा सकते हैं, ये लीजिए एक हम लोग का नया सैंपल है, ये आपको फ्री दे दीजिए. आपको दर्द होगा आई कैन अंडरस्टैंड. अगर कोई आप सर्विस दे रहे हो तो एक फ्री वेबिनार करवाइए, जैसे आजकल सब जन कराता है फ्री वेबिनार, फ्री वेबिनार. कुछ भी अगर फ्री दे दोगे ना तो उसको बहुत अच्छा लगेगा, क्योंकि उसको अच्छा लगेगा ना वो अपना मतलब उसको थोड़ा सा वो मन में वो होगा ना तो अपना रिपीट करने के लिए आपका दुकान में सेकंड बार आएगा और कुछ खरीद के जरूर जाएगा. और आपका जो फ्री का चीज़ है ना उससे आप रिलेशन बिल्ड कर लोगे लंबा. तो आई थिंक दिस इज अ वंडरफुल थिंग. जब भी कोई आदमी खाली हाथ जा रहा है, अरे खाली हाथ कैसे जा सकते हो, कोई बात नहीं हमने कुछ नहीं खरीदा, पर ये हम लोग एक फ्री सैंपल लाया है, ये हम लोग ने एक चीज़ है प्रोडक्ट आप इसको ले लीजिए, ये फ्री सैंपल है, आपका पैसा नहीं लग रहा है, अगर आपको अच्छा लगेगा तो आपको जरूर अच्छा लगेगा, तो वो ले भी देगा और नेक्स्ट टाइम आपके दुकान में जरूर आएगा, उसके साथ एक विजिटिंग कार्ड भी दीजिएगा. तो फ्री प्रोडक्ट का कंपनी दाम का दीजिएगा डिपेंडिंग ऑन व्हाट इज योर बजट, ये आपके ऊपर में है. बट आप ये वाला स्ट्रेटेजी अप्लाई करके देखिएगा और बताइएगा किस तरह चल रहा है स्ट्रेटेजी. ओके, तो दिस हैज वर्क्ड वेरी वेल. और एक दूसरे में से कोशिश करिए फ्री गिफ्ट फ्री सैंपल देने का कोशिश करिए, मिठाई देने का कोशिश करिए. कोई स्पेशल ओकेशन होता है तो सिलेक्टेड कस्टमर्स को आप कुछ ये सब फ्री सैंपल्स वगैरह भेज सकते हो अपने क्लाइंट वगैरह को. इट रियली वर्क्स वंडर्स. ओके ओके, जो मैंने स्टार्टिंग विद क्रॉस सेलिंग में जो पॉइंट बोला था, क्रॉस सेलिंग में अगर आप सपोज कोई सीए और आप अगर टैक्स प्लानिंग कर रहे हो और इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग कर रहे हो तो आप है ना उसके साथ जो सिमिलर प्रोडक्ट इंश्योरेंस प्रोडक्ट वगैरह भी बेच सकते हो, एंड यू कैन नॉट अफिलिएट इन कमीशन, तो आप सिमिलर प्रोडक्ट भी बेच सकते हो, दैट कम्स अंडर क्रॉस सेलिंग. ओके, तो आई फॉरगॉट दैट, मैंने बता दिया. ठीक है, विशिंग योर कस्टमर इन स्पेशल इवेंट्स रियली वर्क्स. अभी होली है तो होली में आप विश कर दीजिए, दिवाली है कॉल करके विश कर दीजिए, मैसेज कर दीजिए. कॉल करने से ज़्यादा बेनिफिट होता है, अगर आप कॉल करके बताओगे कि हमने आपको विश किया तो उसको बहुत अच्छा लगेगा, उसको अच्छा लगेगा तो और आपको रेफरल देगा. तो रेफरल रियली वर्क्स वंडर्स. हमेशा आया था कि होली दिवाली जो भी होता है तो जो भी स्पेशल ओकेशन होता है हमेशा उसको कॉल करिए, मैसेज करके उसको विश करिए. दिस इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग स्ट्रेटेजी जहाँ पर आप थोड़ा सा टाइम इन्वेस्ट करके आपका सेल्स काफ़ी बढ़ सकता है. ठीक है, तो यार ये एग्जिस्टिंग कस्टमर आर वेरी इंपॉर्टेंट ना. अगर वो कस्टमर आपका कोई प्रोडक्ट लिया या सर्विस लिया, आपका कोई वेबसाइट है या कुछ भी है, तो रिकमेंडेशंस उनसे लिखित में ले लीजिए. दिस रियली अगर वो वीडियो बना सकता है या रिकमेंडेशंस, तो दिस विल रियली हेल्प योर पर्सनल ब्रांड टू ग्रो. अगर उससे मतलब अगर आप मेरे बारे में ये प्रोडक्ट के बारे में सर्विस के बारे में अगर आप लिख दोगे तो इट्स विल बी हेल्पफुल. और नॉर्मली कस्टमर लिख देता है, तो ये चीज़ हमेशा कोशिश करिए कि उनसे टेस्टिमोनियल रिकमेंडेशन पॉजिटिव फीडबैक रिव्यू लेने का कोशिश करिए अबाउट योर प्रोडक्ट. ओके, लास्ट थिंग इज दैट इफ द कस्टमर, अब दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट. अभी तक वीडियो बताइए देखिए, दिस इज द मोस्ट. अब देखिए सबको तो आप हैप्पी नहीं कर सकते हो, दे विल बी सम कस्टमर हु विल बी अनहैप्पी विथ यू, दे विल बी सम कस्टमर जिसका ग्रीवियंस होगा, प्रॉब्लम होगा, यू नॉट बी एबल टू हैव सेटिस्फाई ऑल द कस्टमर्स. तो अगर कोई कस्टमर का ग्रीवियंस है, कोई भी चीज़ को लेकर कन्फ्यूजन है, तो मेक श्योर आप उसका ग्रीवियंस को समझिए, ये एक्सपेक्टेशन था, कोशिश करिए उसका कस्टमर का जो भी ग्रीवियंस है उसको सॉल्व करने का, और बोलिए ओके मेरे से गलती हो गया, या उसको कुछ हो सके तो उसको देने का कोशिश करिए, जिससे उसको मन में लगेगा इसने मेरे लिए इतना कुछ किया, इसका इतना बिजनेस होने के बाद इसने ये आदमी ने मेरे लिए ही इज रियली दिस पर्सन इज सो जनरस, इज टॉकिंग टू मी एंड इज ट्राइंग टू एड्रेस माई ग्रीवियंसेज, दैट पर्सन विल रियली फील कनेक्टेड. ये इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड ग्रीवियंस एड्रेसल. तो यू नेवर नो यू विल सुपर अमेज एंड आपका बिजनेस काफी बिल्ड होने में काम हो सकता है. तो ऑलवेज ट्राई टू ग्रीवियंस. फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बता रहा हूँ, यू आर सेलिंग अ चाइनीज प्रोडक्ट. हम लोग खुद ही करते थे, तो चाइनीज प्रोडक्ट हम लोग सेल करते थे, तो कोई तोड़ के लिया है या कोई का मतलब 7 दिन तक मतलब चाइनीज प्रोडक्ट में रिप्लेसमेंट होता नहीं है. तो वी यूज टू डू दैट रिप्लेसमेंट फॉर द कस्टमर. अगर वो लेके आता था, ज़्यादा हाई मार्जिन प्रोडक्ट का तो नहीं कर सकते, पर अगर वो 50 रुपया, 100 रुपया, 200 रुपया, 300 रुपये का अगर प्रोडक्ट है और उसका टूट गया, अगर उसका गलती से टूट गया, एक्सीडेंट से टूट गया, कुछ भी टूट गया, फॉर एग्जाम्पल डैमेज हो गया, तो वी यूज टू रिप्लेस दैट प्रोडक्ट एट आवर कॉस्ट ऑफ एक्सपेंस ओनली.
मैंने पापा को देखा था इस सब करते हुए, तो आई वाज टू आस्क हिम कि लॉस हो गया आपका 200 रुपीज या 300 या 400 या 500 रुपीज लॉस ऑन द बैलेंस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, तो बोलते थे कस्टमर इज द अल्टीमेट की, अगर कस्टमर पर उनको बता दीजिए कि ये प्रोडक्ट कोई रिप्लेस नहीं करेगा, ऑलवेज टेल दैट कस्टमर दिस प्रोडक्ट इज इररिप्लेसेबल बाय ऑल द शॉपकीपर्स बट आई एम रिप्लेसिंग यू बिकॉज आई वैल्यू योर प्रेजेंस इन माई शॉप। तो ऐसे करके अगर उसको बोलोगे तो वो डेफिनेटली, और उसको दूसरा प्रोडक्ट दे दोगे तो उसको भी अच्छा लगेगा और वो सेकंड टाइम आएगा। तो दिस इज अ वेरी गुड थिंग व्हिच आई टोल्ड, ग्रीवेंस को उसका जो भी ग्रीवेंसेस है जो भी है और वो तोड़ के लिए आता है, कोशिश करिए उसका रिप्लेस कर सकते। तो ये चीज़ है, ये नहीं कि हर दिन उनको एक चीज़ अब एक बार अगर तोड़ के लिए आया दो तीन बार ज़्यादा ही तोड़ के अगर ला रहा है डैमेज करके, देन यू कैन टेल हिम कि सी वी हैव ऑल्सो द लिमिटेड ऑफ दिस, एक दो बार आप पकड़ दिए बार बार तो कैसे करेंगे ना, दैट यू कैन मैनेज आप अकॉर्डिंग आपको पता चल जाता है कस्टमर पैसा देता है कि नहीं देते उस हिसाब से आप। पर एक दो बार अगर वो तोड़ फोड़ के लाता भी है, आई वुड सजेस्ट कि आप उस पर रिप्लेस कर दो, मतलब आपका पॉकेट में पिंच करेगा पर लॉन्ग टर्म में क्या पता वो आपको बहुत पैसा दे सकता है। तो यू कैन नॉट अंडरमाइन एनी कस्टमर, वी हैव सीन एनी आई थिंक वी हैव सीन सो मेनी पीपल जिसको हम लोग को लग रहा नहीं था कि कुछ सामान खरीद के जाएगा पर वो बहुत कुछ सामान खरीद के ले जाता है। तो नेवर अंडरमाइन एनीवन, कोई भी कुछ भी खरीद सकता है आजकल का दुनिया में। सो रेस्पेक्ट एवरीवन एंड ट्राई टू गिव रेस्पेक्ट एंड दिस स्ट्रेटजीज आई थिंक यू कैन फॉलो एंड आई थिंक दिस विल रियली हेल्प यू। अगर ये वीडियो आपको यूजफुल लगा, भले ही लॉन्ग है, तो प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक यू सो मच।